ये जो हमारी यात्रा थी ये हमने 16 घंटे में कवर की। और सारे गेम्स हैं जो मतलब करते हैं, लेकिन एक स्केटिंग जो अपना है वो एक अलग गेम है सबसे। गवर्नमेंट अगर इस चीज में सपोर्ट करे तो बेस्ट है। नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके अपने शहर रुड़की में किसी भी चीज की कमी नहीं है, जैसे निरंतर मैं आपको अपनी हर वीडियो और हर चीजों से बताती रहती हूँ। बाइक शोरूम की बात करें, हम कारों के शोरूम की बात करें, या फिर रेस्टोरेंट्स की बात करें, होटल्स की बात करें, एवरीथिंग आपको रुड़की में अवेलेबल मिलेगा। और किस लेवल तक अवेलेबल आपको मिल सकता है ये आप बखूबी जानते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो बच्चों के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए जितने भी कॉम्पिटिशन है, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी आपको उपलब्ध मिलेगी। लेकिन ना जाने कुछ ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है हमें कुछ नया करके दिखाना है, या जो लोग कुछ नया करके दिखा रहे हैं उनको लगता है कि हमें पब्लिक के सामने एड ऑन होना है और पब्लिक को पता चले कि आपके अपने शहर रुड़की में इस चीज की भी अवेलेबिलिटी पूरी तरह है। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले मैं बता दूं उनका नाम प्रिंसिपाल है, और जैसे मैंने बात करी वो अपने आप में ही बड़े क्रिएटिव इंसान है। फिलहाल वो आर्मी में लोगों को, करीब 150 लोगों को वो स्केटिंग सिखाते हैं और लगभग 1.5 साल से वो ये काम करते हैं। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि आपके अपने शहर रुड़की में, मैं बच्चों की बात करूं, चिल्ड्रंस की बात करूं, या अपने यूथ की बात करूं, या जितने भी वो लोग जो स्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो उनको जाने की वो कराते हैं, तो अभी वो चाहते हैं वो बच्चों को भी सिखाएं, वो सबको सिखाएं, लोगों को पता चले कि रुड़की में अभी तक स्केटिंग शुरू उन्होंने करी थी और रुड़की में फिलहाल स्केटिंग नहीं है। तो वो चाहते हैं जितने भी हमारे सभी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या जिनका भी इंटरेस्ट उठता है स्केटिंग में, वो सभी प्रिंसिपाल जिसे कॉन्टेक्ट करें। फिलहाल हम इनसे बातचीत करते हैं कि कब आपने स्केटिंग की शुरुआत करी और स्केटिंग ही क्यों, और अदर चीजें भी हैं वो क्यों नहीं। नमस्कार मैम, मैं ये बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग में मेरा मतलब एक टारगेट था, मतलब लाइफ को लेके ना, कि लाइफ में कुछ करना है तो मतलब एक अलग करना है। आज के टाइम में मतलब सेम चीजें, ब्रांड कॉपी, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक मेरा जो था, मुझे मतलब एक ब्रांड बनाना था अपने एक नाम को, जो मैं काम करता हूँ उसको, तो ये मतलब सोचा था। ठीक है, तो फिर आपको लगा कि उम्र भी अभी आपकी 21 साल है, तो आपको लगा कि आपका इंटरेस्ट स्केटिंग में ज्यादा है। हाँ जी मैम। तो अभी आपको लगता है कि आपने ये सक्सेस पा ली है कि अपने काम को ब्रांड बना चुके हैं, अपने आप को आप ब्रांड बना चुके हैं, ऐसा लगता है आपको? अभी तो नहीं लगता है, बट लेकिन लोगों से सुनता हूँ तो लगता है। अच्छा, लोगों से किस तरह की बातें सुनता है अपने बारे में? लोगों से मैम काफी मतलब सुनता हूँ, जैसे बाहर जाता हूँ तो उसके रिगार्डिंग भी काफी मतलब लोग मिलते हैं कि यार आप प्रिंस हो, आप स्केटिंग सिखाते हैं। मैंने कहा जी यार आपका फोटो न्यूज़पेपर में देखा ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब इस तरीके से लगता है। अच्छा लगता है, लेकिन हाँ। अभी लगता है कि कुछ कमी है और अभी और ऊपर तक जाना है। हाँ अभी जाना। ठीक है, तो रुड़की के लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं? अभी तक रुड़की में स्केटिंग नहीं है? नहीं मैम। अच्छा नहीं है, तो आप सिखाना, अभी आप कहाँ सिखाते हैं थोड़ा बताइए अपने बारे में लोगों को। मैं अभी आर्मी कैंट डोगरा लाइन से मैंने शुरू किया था स्केटिंग कराना, और उसके बाद धीरे 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 अभी मैं दो जगह स्केटिंग करा रहा हूँ, एक 135 ब्रिगेड इन्फेंट्री डोगरा लाइन एंड दूसरा हमारा जो मेन है बीजी सेंटर रुड़की, उसमें मैं स्केटिंग करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी रुड़की के लोगों को भी कराना चाहते हैं आप? रुड़की के लोग अगर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं, तो उनको भी कराएंगे। अच्छा, तो कावड़ में आप सभी ने देखा होगा एक लड़का और उसके पीछे और दो तीन आपके फ्रेंड थे, शायद वो आप ही का ग्रुप होगा। हाँ जी, हम तीन जो लगातार हरिद्वार से जल लेने के बाद, और फिर कहाँ तक आप लोग गए थे? पूरा महादेव करते करते आप लोग पूरा महादेव तक गए थे मैम। अच्छा। हाँ जी, ये जो हमारी यात्रा थी ये हमने 16 घंटे में कवर की थी। ठीक है, जब रास्ते में लोग मिल रहे थे, क्या व्यूज थे उनके आपको देखकर? मैम एक अलग सा लग रहा था, जैसे कि मतलब फर्स्ट टाइम था कि मैं तो फर्स्ट टाइम गया था, मेरे जो पार्टनर्स थे वो मेरे से एक बार पहले जा चुके हैं, लेकिन मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम गया था। लेकिन इस दौरान हमें बीच में काफी फैंस, काफी फॉलोअर्स, बहुत कुछ मिला देखने को। ऐसा लगा कि हम सबसे अलग जा रहे हैं? सबसे अलग जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये तो काफी अच्छा लगा आपको? हाँ मतलब ठीक था। ठीक है, तो अभी रुड़की के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मैं प्रिंसिपल जो स्केटिंग सिखाना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ, अभी आपके मन में जो है वो प्लीज आप बताइए। बस मन में तो मैम ऐसा कोई मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये है कि देखो लोग स्पोर्ट्स सभी करते हैं, ठीक है, क्रिकेट हो गया, बाकी मतलब काफी सारे गेम्स हैं जो मतलब करते हैं, लेकिन एक स्केटिंग जो अपना है वो एक अलग गेम है सबसे, जिसे हम मतलब उसके मतलब बेनिफिट्स क्या बोलते हैं, इतना
लेग्स स्ट्रेंथ, तो मतलब काफी चीजें हैं, अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। अच्छा नहीं नहीं थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं क्योंकि आप बोल भी बहुत कम रहे हैं, आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं बस मैम यही। अच्छा यही है, तो रुड़की में क्या सोचा है, कोई सेंटर आपको ओपन करना है और उसके बाद सिखाना है या फिर कुछ और कहीं और से इस तरह कुछ हेल्प की आप उम्मीद रखते हैं? मैं मतलब रुड़की के अंदर ही कराना चाहता हूँ मैं, मतलब हेल्प ये सोचा कि मेरा गवर्नमेंट अगर इस चीज में सपोर्ट करे तो बेस्ट रहेगा। अच्छा अगर 1% गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है तो मैम फिर बाकी हम खुद से देखेंगे अपना। अच्छा आपके अंदर जुनून है इस चीज का करने का? बहुत ज्यादा। अच्छा तो अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करते हो तो आप खुद से चाहेंगे करना? तो हम क्या बोलते हैं कोशिश करेंगे खुद से खड़ा करने का। अच्छा कोशिश करेंगे। आप अकेले हैं या आपके साथ और भी लोग हैं जो आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं? नहीं अभी मैं फिलहाल अकेला ही चल रहा हूँ, अगर देखते हैं अगर कोई जुड़ता है तो जुड़ सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो रुड़की के लोगों को आप कहना चाहते हैं कि आप सिखाना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए तो रुड़की के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जितने भी लोगों के लिए जो स्केटिंग को पसंद करते हैं, ये एक बहुत डिफरेंट गेम है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, तो वो चाहते हैं कि वो सिखाएंगे इधर हेल्प और वो खुद भी कोशिश करना चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जितने भी लोग हैं वो प्लीज प्रिंसिपल से जरूर कॉन्टेक्ट करें और अभी तो वो सिखा रहे हैं या कोशिश करें, आप उनको बुलाएं या कहीं भी बुलाएं, आप उनसे जरूर एक बार कॉन्टेक्ट करें, स्केटिंग के बारे में जानने की कोशिश करें। 1.5 साल के अंदर जैसा हमने बताया कि प्रिंसिपल ने 35-40 मेडल्स उन्होंने आर्मी को दिए हैं, तो ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जिन लोगों को दिए हैं उनके लिए भी काफी और उनके लिए भी इनकी सक्सेस में एक और पीढ़ी को आगे जोड़ता है। तो प्रिंसिपल जी मुझे ये बताइए कि आप आर्मी में गए कैसे थे, किसी के रेफरेंस के थ्रू गए थे या ये आपका खुद का टैलेंट था? टैलेंट भी था लेकिन सपोर्ट किया था, भैया थे एक कर्नल राजेश शर्मा जी, तो मैं उनके रेफरेंस से आर्मी के अंदर गया था। ओके हाँ जी, मतलब तो तब आपने अपने टैलेंट से वहाँ अपने आप को जमा के रखा और लोगों को स्केटिंग सिखाई? हाँ जी मैम। ओके ठीक है, तो हेल्प मिलनी भी एक बड़ी बात होती है लेकिन उसके बाद अपने आप को जमाना, अपने आप के लिए वहाँ पे स्टैंड लेना, ये अपने टैलेंट पे निर्भर करता है जो प्रिंसिपल जी ने वहाँ पर करके दिखाया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।